Hi guys, welcome to PK100. So you will learn in this video how to apply transactions in videos. आप कैनवा में किस तरह से ट्रांजेक्शन इफेक्ट जो बनाते हैं हम, वो किस तरह से दो वीडियो को मर्ज करवाने के लिए ट्रांजेक्शन का हम यूज करते हैं। सो आप वो जो ट्रांजेक्शन है वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हो कैनवा में, इस वीडियो में वो जानेंगे। सो गाइज, सिंपल मैं canva.com इस वेबसाइट के ऊपर आया हूं एंड देन सिंपल यहां पे आप देख सकते हो कैनवा, सॉरी वीडियोस का सेक्शन है, सिलो कट हियर एंड देन यहां से हम कौन सी भी एक साइज ले सकते हैं। आप फेसबुक वीडियो बना सकते हो, आप मैसेज वीडियोस बना सकते हो, मोबाइल वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, एनीवन यू वांट। सो सिंपल मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, सी वीडियोस के ऊपर मैं सिंपल जस्ट वन क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। वो आपके यहाँ पे एक न्यू क्रिएट डॉक्यूमेंट जो फाइल होगी वो क्रिएट हो गई होगी। इसकी जो साइज है वो है 1080x1920, ठीक है। सो यहाँ से आप कौन सा भी एक टेम्पलेट उठा सकते हो, लेकिन आपको अगर सीखना है पर्टिकुलर वीडियोस में ट्रांजेक्शन्स किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं, सी देखते हैं। सी लुक एट हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो फाइल्स यहाँ पे साइट्स ओपन कर सकते हो। सिंपल क्रिएट, क्रिएट प्लस साइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको वन स्लाइड जो है वो आपको मिलेगी एंड देन यहाँ से आप पर्टिकुलर स्लाइड जो है वो आप डिलीट कर सकते हो। सी लुक एट दिस, ठीक है, यू कैन एडजस्ट एंड यू कैन डिलीट ऑन हियर, सेलेक्ट डिलीट। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आकर के वीडियोस के सेक्शन में आना है या आप आपके पर्टिकुलर वीडियोस भी अपलोड कर सकते हो। सी लुक एट दिस, ये जो सारे के सारे वीडियोस आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से कुछ वीडियोस जो है वो लेता हूँ। सिंपल एक छोटा सा मेरे को चाहिए, हाँ इट्स इनफ, 8 सेकेंड का है दैन इसकी मैं साइज जो है इस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ, दैट्स इट। सी लुक एट दिस, हम पूरा का पूरा वीडियो जो है वो देखते हैं। सी ये जो वीडियो है ये आपने अपने इस फाइल में अपलोड किया हुआ एंड देन मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक प्लस आइकन, ठीक है, एंड देन यहाँ से फिर से मैं वीडियो और एक वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। ये जो ले लेंगे हम, ये वाला ले लेंगे और इसको मैं इसी तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ एंड अगर आपको पर्टिकुलर वीडियोस की साइज जो है वो कट करनी है, सो सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो पर्टिकुलर कितने सेकंड का आपको वीडियो चाहिए। मान लो आपको, सी लुक एट दिस, 10 सेकेंड, 2 सेकेंड, दैट्स इनफ फॉर मी, ठीक है, हम 5 सेकेंड का ले लेते हैं। सी आपने अभी ये सीक्वेंस लगाया हुआ है वीडियोस का, आप कितने भी वीडियोस लगा सकते हो, डजंट मैटर, सिंपल आपको न्यू स्लाइड पे वीडियो डालना है, मेक श्योर, ठीक है। सो हम पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सी लुक एट दिस, सी लुक एट हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा वीडियो सीक्वेंस जो है वो आपके सामने रेडी है, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है हमने, आप कौन से भी वीडियोस इंपोर्ट करके डाउनलोड अपलोड कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब आपको इफेक्ट चाहिए, ट्रांजेक्शन इफेक्ट, तो सिंपल आपको क्या करना है, इस प्लस साइन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सो लुक एट हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्लस वाला साइन है एड न्यू स्लाइड करके, जो आप यहाँ से प्लस करके भी कर सकते हो, लेकिन उसके नीचे जो छोटा सा आइकन है स्लाइडिंग वाला, वहां पे आपको क्लिक करना है एड अ ट्रांजेक्शन, ठीक है। वहां पे क्लिक करने के बाद सी लुक एट दिस, यहां पे इन और आउट भी कर सकते हो। सी लुक एट दिस, हम पूरा का पूरा वीडियो सीक्वेंस एक बार देखेंगे। ओके सी लुक एट दिस, थोड़ा सा टाइम लगेगा,
क्योंकि वीडियो जो है वो HD क्वालिटी का है, दैट्स व्हाई। नाइस। सो इसी तरह से आप ये जो सारे इफेक्ट है ये आप पर्सनली चेक कर लो। देन सेकंड स्टेप जो है वो है आपको क्या करना है, सिंपल एडअप पेज क्रिएट करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसकी साइज जो है वो ट्रांजेक्शन हम अब एनिमेटेड ट्रांजेक्शन यूज करेंगे। ठीक है, इसकी साइज में सिर्फ 2 सेकेंड ही रख रहा हूं। ओके, देन मैं एलिमेंट्स में जा करके यहां पे ट्रांजेक्शन इफेक्ट सर्च कर रहा हूं एंड देन मैं यहां पे वीडियोज सेलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, सो यहां से आप कौन सा भी एक ट्रांजेक्शन इफेक्ट यूज कर सकते हो। सिंपल मैं ये वाला इफेक्ट ले रहा हूं, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, सिलेक्ट दिस। ओके, सो लुक्स गुड। इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा यहां से प्रॉपर एडजस्ट करना है, जहां पे वो जो डॉट डॉट है वो स्टॉप होंगे, दैट्स व्हाई वो जो है वो स्टॉप है इफेक्ट। सो अपन को क्या करना है, वहां से कट करना है वीडियो। सो हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 सेकंड का जहां तक ये फ्रेम है वहां पर ही हम कट करेंगे। ठीक है, एंड देन यहां पर भी हम एक इफेक्ट ऐड करेंगे, यही वाला साइकिल सर्कल वैप, और इसको हम आउट करेंगे एंड देन लुक एट हियर, योर इफेक्ट इज रेडी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कैनवा सीखना है बेसिक टू एडवांस तक, तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है। इन 13 डेज में मैंने आपको पूरा का पूरा कैनवा जो है वो सिखाया हुआ है। इन 13 डेज में आप पूरा का पूरा कैनवा सीखने वाले हो। सो आपको अगर कैनवा सीखना है बेसिक टू एडवांस तक, तो हमारे चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है कैनवा कोर्स की। सो यू कैन वॉच आवर प्लेलिस्ट।